सुमेरपुर तख्तगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टर कुलदीप सिंह देवड़ा ने बताया कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है, क्योंकि मौसम परिवर्तन होते ही सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आपको बता दें कि अस्पतालों में डॉक्टरों की भी भारी कमी है। दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने से डॉक्टर भी परेशान हैं। पेशेंट बढ़े हैं, जिसमें खासकर सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़े हैं और बुखार के भी मरीज ज़्यादा बढ़े हैं। सर्दी जुकाम के मरीज तो आजकल आसपास हल्का फुल्का वायरल और इससे उनमें से बढ़ रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए तो ये है कि जो मरीज़ हैं उनको ध्यान रखें, घर में भी ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें और ठंडी चीज़ों से बचे, सर्दी जुकाम से भी बचे, तो इस तरह की चीज़ें इसमें कारगर रहेगी। आपके सर्दी जुकाम के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बुखार वगैरह आए तो दिखाएँ। दूसरा, अभी मच्छर जनित बीमारियों के भी मरीज आ रहे हैं, प्लेटलेट की कमी भी आ रही है, कुछ मरीज मलेरिया के भी आए हैं। तो मरीजों से या परिजनों से या सब लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास अगर मच्छर पैदा होने की कोई पानी कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है या कहीं मच्छर पनप रहे हैं तो अपने आसपास उन पे भी कंट्रोल रखें, उन पे काला जला हुआ तेल जो है वो छिड़काव करें।